हाँ, क्या क्या स्टोरी थी, क्या बता रही थी आप मुझे? अच्छा, ये बता रही थी, जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, और हमें 20 दिन पहले पता चला हमारे साथ। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई अच्छे थे। मुश्किल हो रहा मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदा। यस बाबा जी, कज़न मैरिज। इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपने ताया की बेटी के साथ ही शादी करेंगे। बाबर आजम के वालिद और उनके बड़े भाई ने बचपन में ही इस रिश्ते को पक्का कर दिया था। बाबर आजम के खानदानी ज़राए का कहना है कि बाबर आजम की शादी की तकरीब रवां साल मुतवक्के है, ताहम हतमी तारीखों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। तो आपको बाबर आजम की शादी के हवाले से बता रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान बाबर आजम अपने ताया की बेटी के साथ ही शादी करेंगे। बाबर आजम के वालिद और उनके बड़े भाई ने बचपन में ही इस रिश्ते को पक्का कर दिया था। अभी भी अगर कहा जाए 80% 90% लोग, खानदान ऐसे हैं जो इस चीज को माइंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन करते हैं। ना करें वो माइंड। दूसरा, ये आप थोड़ा तफसीली बताइएगा, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कजन मैरिजेस में फेस करनी पड़ती हैं? मौरूसी बीमारियां भी। देखिए, जहां तक माइंड करने की बात है, दो आपके पास रास्ते हैं, या तो अभी एहतियात कर लें या जब औलाद हो जाएगी उसको फिर सारी जिंदगी तकलीफ उठाएं। अब ये फैसला हम सब ने मिलकर करना है कि क्या हमें सारी जिंदगी की तकलीफ चाहिए या 5 मिनट का टेस्ट चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में बिल्कुल फैसला बिल्कुल सिंपल है कि अगर हम जरा सी तकलीफ कर लें और एक छोटे मोटे टेस्ट करवा लें तो हम सारी जिंदगी की तकलीफ से बच सकते हैं। इसलिए इसमें तो किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। जहां तक बीमारियों का ताल्लुक है, सर से लेकर पैर तक जितने भी आज़ा हैं, इन सब की बीमारियां ऐसी हैं जो कि कजन मैरिज जिसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मसलन हम ब्लड की बात करें, थैलेसीमिया सबसे ज्यादा हम कॉमन सुन रहे होते हैं अमूमन कजन। अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि ये नहीं है कि ये सिर्फ कजन मैरिज की वजह से। एग्जैक्टली, ये बड़ा जहन में रखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कजन मैरिज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कजन मैरिज की वजह से ये इंक्रीज हो जाता है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कितने परसेंट? तकरीबन अप टू 50% से ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों होता है? होता यह है कि फर्ज करें कि एक बीमारी है जो जीन्स के अंदर चल रही है, अगर वो आधी रहती है, आधे जीन में रहती है, तो बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर एक तरफ से भी आधी आ गई, दूसरी तरफ से भी आधी आ गई, और चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि कजन मैरिज से बचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मदर में भी वो चीज़ है, फादर में भी वो चीज़ है, उनमें नहीं आ रही क्योंकि उनमें हाफ हाफ थी, लेकिन जैसे वो इकट्ठे होंगे, जैसे वो इकट्ठे होंगे, वो कंप्लीट हो जाएगी और बच्चे में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी बीमारियां? मैंने ब्लड की बात की, मैंने कहा थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया जिसमें खून बनता नहीं है, इम्यूनो डेफिशिएंसी के बच्चे में कुवत मुदाफियत ही नहीं है, हर तरह का इन्फेक्शन बच्चा पकड़ लेता है, हर वक्त चेस्ट खराब हुई हुई है उसकी, हर वक्त उसकी आंतें खराब हुई हुई हैं, उसको ब्रेन की प्रॉब्लम्स होती चली जा रही है। और नॉर्मली हम समझते ही नहीं है कि ये बीमारी इस वजह से भी हो सकती है। बिल्कुल है, मैंने कहा ना, ये क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इसलिए शादी से पहले एक दो चीज़ें जहन में रखने की जरूरत है। हम सबके खानदान मौजूद हैं, अपने अपनी फैमिलीज को देखें, हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी फैमिली में बहुत सारी बीमारियाँ, यार उस बच्चे में भी थी, यार उसका बच्चा यार जहनी तौर पर कमज़ोर लगता है, यार अच्छा नहीं है, यार उस बंदे में भी ये थी। अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ लगे पूरे खानदान में कि दो बंदों में एक तरह की बीमारी आई है, फ़ौरन हमें अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि यार ये मसला कोई ना कोई है और हमें उसको टेस्ट कराना। तो गाइज़, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए, ये टॉपिक बड़ा ही मतलब कॉमेडी से भरा है, क्योंकि आप समझ सकते हो अपनी बहन से ही शादी करना एक वैसे भी अनोखी बात होती है, लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत नॉर्मल चीज़ है। पाकिस्तान में हर भाई कभी ना कभी अपनी बहन के लिए बैन स्ट्रोक बन ही जाता है। बैन स्ट्रोक का मतलब आप समझ सकते हो, विराट कोहली एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे मैं अभी यहाँ पर बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हो बहन की गाली, वो बहन जी करते करते फाइनली कभी ना कभी ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुंचता और वो एकदम से बोलता है मैं तो बैन स्ट्रोक हूं आपके लिए। तो आप समझ सकते हो दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक और पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम का नाम भी इसी लिस्ट में जुड़ गया, हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अपनी बहन के लिए बैन स्ट्रोक बन चुके हैं। तो गाइस, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा कज़न मैरिज अगर कहीं होती हैं तो वो पाकिस्तान में ही होती हैं, ये एक फैक्ट है। और ये भारत में भी होता है, लेकिन भारत में मुस्लिम फैमिलीज़ में ही होता है। हालांकि कहीं कहीं भारत में ऐसा सुना गया है, अब मुझे कन्फर्म सोर्सेस से नहीं पता कि साउथ इंडिया में ऐसा कुछ कहीं होता है,
लेकिन मुझे ये तो कन्फर्म है कि मैंने जितना देखा है ये मुस्लिम फैमिली में ही होता है कज़न मैरिज। यहाँ पर बाबर आज़म की शादी उनके बड़े पापा की बेटी के साथ होने वाली है। बड़े पापा यानी ये ताया जो उनके पापा के भाई के लड़की के साथ शादी होने वाली है। तो मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, ज़िंदगी भर अगर वो अपने बड़े पापा की बेटी के साथ मिलते होंगे तो भाईजान भाई भैया या कुछ भी बोलते होंगे, और एकदम से कुछ दिन बाद भाईजान से सीधा पति बन जाए तो फिर वो कैसा रिलेशनशिप होता होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मतलब एकदम से कभी ना कभी गलती से अपने पति के लिए भाईजान वाला वर्ड तो निकलता होगा या भैया वाला वर्ड तो निकलता होगा, कि आपको भी पता कि बचपन से आप भाईजान से बोलते हो उनको और एकदम से पति बन जाए तो ये अनोखी बात होगी। दोस्तों इससे पहले शाहिद अफरीदी भी अपनी कज़न के साथ शादी कर चुके हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, नुसरत फ़तेह अली खान का नाम भी है, वो भी अपनी कज़न के साथ शादी कर चुके हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अपनी कज़न के साथ शादी करते हैं। हालांकि अब मॉडर्न डे में भी बाबर आज़म अगर अपनी कज़न के साथ शादी करते हैं तो डेफिनेटली कोई चेंजेस नहीं आया है। नेट आ गया, लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन कल्चर जो है कज़न मैरिज का पाकिस्तान में चलता ही जा रहा है। आपको पता है भारत में हिंदू मैरिजेज में तो ऐसा है कि सेम गोत्र की भी नहीं होनी चाहिए, अगर सेम गोत्र की हो गई तो भी शादी नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ सोच के ये चीज़ें बनाई गई होंगी कि इससे शायद कुछ ना कुछ बीमारी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। हालांकि ये लॉजिकल फैक्ट है कि कज़न मैरिज से क्या क्या जेनेटिकली बीमारी होती है पाकिस्तानी मीडिया ने बताने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बहुत कम बताया। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कज़न मैरिज में, वो बच्चे ब्रेन उनका मतलब उतना डेवलप ही नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं कज़न मैरिज करने से। तो अभी तो ये न्यूज़ ही आई है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आज़म की शादी उनके ताया उनके बड़े पापा की लड़की के साथ होने वाली है, और ये मतलब गुपचुप तरीके से उनकी सगाई हो चुकी है। आने वाले समय में जब ये न्यूज़ वायरल होगी तो डेफिनेटली बाबर आज़म को जिस तरीके से जिम्बाब्वे आज़म और बहुत सारी चीज़ें ट्रोल की जाती हैं, ट्रोल करने की वजह यह है क्योंकि पाकिस्तानी समझते हैं कि बाबर आज़म विराट कोहली से बड़े बैट्समैन हैं, उस वजह से इस टॉपिक को लेकर इनको ट्रोल करना डेफिनेटली होगा इंडियन मीडिया में, और ट्रोल होंगे ये क्योंकि ये बहुत जल्दी बैन स्ट्रोक बनने वाले हैं अपनी बहन के लिए। बैन स्ट्रोक का मतलब आप समझ जाइए, बैन स्ट्रोक का मतलब होता क्या है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।